हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर अंजलि श्रीवास्तव, रिटायर्ड जूलॉजी प्रोफेसर, और ये मेरा यूट्यूब चैनल है आदर्शालय। आज का वीडियो है हमारा, आज का टॉपिक है हमारा ओरिजिन ऑफ कॉर्डेज। इसके पहले के दो वीडियो में हमने ओरिजिन ऑफ वर्टिब्रेट के बारे में देखा है, और हम ये देख चुके हैं कि वर्टिब्रेट्स द प्रोबेबली द मोस्ट इवॉल्व एनिमल्स का ग्रुप है, जिसके बारे में, जिसकी इवोल्यूशनरी टैक्सोनॉमी के बारे में काफी सारे कंट्रोवर्सीज भी हैं, और या कंट्रोवर्सीज ना कह के बहुत सारे व्यूज हैं। क्लासिफिकेशन के टू किंगडम, थ्री किंगडम, फोर किंगडम, फाइव किंगडम एंड सिक्स किंगडम सिस्टम्स एवोल्यूशंस के बारे में अगर आपको जानना हो तो आप मेरी कॉर्डेट बायोडाइवर्सिटी का वीडियो देख सकते हैं जो मैंने पहले बनाया है। और एक चीज और इंफॉर्मेशन एक और मैं आपको देना चाहूंगी, आगे हम देखने जा रहे हैं जो फाइलोजेनिक के बारे में, मॉलिक्यूलर फाइलोजेनिक टर्म हमारा हम यूज करेंगे, उसके बारे में अगर आपको जानना है डिटेल्स तो उसके लिए भी मैं एक पूरा वीडियो डाल चुकी हूँ, मॉलिक्यूलर फाइलोजेनी ऑफ इनवर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट्स। तो यू कैन गो थ्रू दैट दोज वीडियोज अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आपके सिलेबस में है तो भी, और नहीं है तो भी मैं आपको एडवाइस करूंगी अच्छे से कॉर्डेट एंसेस्ट्री, वर्टिब्रेट एंसेस्ट्री समझने के लिए। अब हम आते हैं आज के टॉपिक पर, ओरिजिन ऑफ कॉर्डेटा। कॉर्डेटा वो ग्रुप है, अगर हम डिटेल्स में जाने के पहले, हमने पिछले वीडियो में भी देखा था कि कॉर्डेटा वो मेजर ग्रुप है जो एनिमल्स, वो सारे एनिमल्स इसमें आते हैं जो नॉन कॉर्डेटा नहीं है। नॉन कॉर्ड पूरे एनिमल किंगडम को लार्जली या ब्रॉडली हम दो कैटेगरीज में बांट सकते हैं, नॉन कॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। नॉन कॉर्डेटा बहुत डाइवर्सिफाइड ग्रुप है, उसमें इतने सारे ग्रुप्स आएंगे, इतने सारे फाइलम है, सबका अलग अलग कैरेक्टर्स है, सबकी अलग अलग एंसेस्ट्री है, तो उतना डिटेल्स ना जा करके हम सिर्फ ये जान लेते हैं कि कॉर्डेटा वो ग्रुप है जिनमें चार मुख्य कैरेक्टर्स पाए जाते हैं, जो हैं जो हम इसके पहले भी देखते आ रहे हैं। सबसे पहला है फेरिंजियल गिल स्लिट्स, एक्सटर्नल फेरिंजियल गिल स्लिट्स भी हम इसको कह सकते हैं। दूसरा है डॉर्सल ट्यूब्यूलर नर्व कॉर्ड जो सॉलिड होता है, वेंट्रल होता है नॉन कॉर्डेट्स में, और डॉर्सल होता है, हॉलो होता है कॉर्डेट्स में। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट फीचर जो माना जाता है एग्जिस्टेंस ऑफ अ नोटोकॉर्ड जो मेसोडर्म से इवॉल्व करता है, एक एग्जोस्केलेटन फ्यूचर और प्रेजेंटिव एंडोस्केलेटन बनाता है, पूरी सपोर्ट सिस्टम बॉडी की बनाता है जिसके बेसिस पर पॉस्चर मिलता है बॉडी को जो वर्टिब्रल कॉलम में डेवलप होता है, और उसी के बेसिस पर कॉर्डेट का एक पूरा ग्रुप है जिनको हम वर्टिब्रेटा कहते हैं। और चौथा मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है प्रेजेंस ऑफ अ पोस्ट एनल टेल, एनस के बाद टेल का एग्जिस्टेंस जो कि बहुत रूडिमेंट्री होने लग जाते हैं बहुत हायर फॉर्म्स में, लाइक वी जैसे मैमल्स में, या मैमल्स में भी होमोसीपियंस जिसमें मैन आते हैं उनमें वो बिल्कुल रुडिमेंट्री हो जाता है। तो ये है कॉर्डेटा के बारे में। ना ये जो टॉपिक्स हैं यहाँ, इन पर हम लास्ट में आएंगे, इन टॉपिक्स के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, कॉर्डेटा की इनवर्टिब्रेट ओरिजिन, क्योंकि दिस इज फैक्ट के कॉर्डेट्स आर द इवॉल्व फ्रॉम द नॉन कॉर्डेट्स और द इनवर्टिब्रेट। सो इनवर्टिब्रेट ओरिजिन देखेंगे। एम्ब्रियोलॉजिकल स्टडीज शोड दैट मोस्ट एंशियंट कॉर्डेट्स वेर रिलेटेड टू एंसेस्टर्स ऑफ इकाइनोडर्माटा, दैट इज द ड्यूटरोस्टोम हिस्ट्री। इसके बारे में थोड़ा हम पिछले वीडियो में भी देख करके आए हैं, अभी भी थोड़ा और डिटेल्स देख लेंगे। द अर्लिएस्ट फाउंड कॉर्डेट इज पिकाया और पिकाइया, ये पिकाइया के बारे में भी हमने पिछले वीडियो में देखा है, जो अर्लिएस्ट सबसे पहले जो पाया गया था, इनकी एग्जिस्टेंस के बारे में भी कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, बट ये काफी कुछ रिजेंबल करते हैं द आज तक जो जितनी थ्योरीज आई हैं जिनके बेसिस पर ये एस्टैब्लिश फैक्ट है कि सेफेलोकॉर्डेट्स या एम्फियोक्सेस आर द एंसेस्टर्स ऑफ द ट्रू कॉर्डेट्स एट वन और अदर लेवल। कुछ तो कंट्रोवर्सीज इसमें भी हो चुकी हैं, विच वेयर फर्स्ट मिस्टेकन बाई अ वर्म, पिकाया को पहले एक वर्म की तरह माना गया था, बट इट्स एनाटॉमी प्रूव्ड अदरवाइज दैट इट इज द एंसेस्टर ऑफ अ कॉर्डेटा हैविंग अ नोटोकॉर्ड, अ टेल फिन, अ टेंटाकल। ये टेंटाकल आर्म फीडिंग के लिए या फिल्टर फीडिंग के लिए यूज हो रहा था, एंड अ हेड सेगमेंट जो सिविलाइजेशन को
को इंडिकेट करता है, मतलब जिसका संकेत देता है। और अब हमने देखा कि ड्यूट्रोसोम एंड प्रोटोसोम भी अभी इसके पहले वीडियो में देख के आ रहे हैं, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान एनिमल्स दो तरह से डेवलप होते हैं, जिनमें ब्लास्टुला का ब्लास्टोपोर पहले माउथ में डेवलप होता है उनको प्रोटोस्टोम्स कहते हैं, और जिनमें ब्लास्टुला का ब्लास्टोपोर पहले एनस बनाता है उनको ड्यूट्रोस्टोम्स कहते हैं। और यहाँ ड्यूट्रोस्टोम के बारे में ज्यादा इसलिए देखेंगे क्योंकि ये एस्टेब्लिश फैक्ट है जीनोमिक स्टडीज के बेसिस पर या मॉलिकुलर जेनेटिक्स के बेसिस पर, मॉलिकुलर फाइलोजेनी के बेसिस पर। जैसा मैं बता चुकी हूँ, मॉलिकुलर फाइलोजेनी आप मेरे पिछले वीडियो में देख सकते हैं। ये अब स्टैब्लिश फैक्ट है कि ड्यूटरोस्टोम्स, जिसमें इंक्लूडेड हैं इकाइनोडोम्स, द प्रोटोकॉर्डेट्स, नॉन कॉर्डेट प्रोटोकॉर्डेट्स, ये भी एक नया ग्रुप बन चुका है जिसमें पहले हेमिकॉर्डेट को इंक्लूड किया गया था, अब कुछ टैक्सोनॉमिस्ट उसमें यूरोकॉर्डेट को भी इंक्लूड करने लगे हैं, और ट्रू प्रोटोकॉर्डेट्स जिनमें अब सिफेलोकॉर्डेट ही बेसिकली रह गया है, एंड देन यूकॉर्डेट्स जिसमें जो स्टार्ट होता है अगेन, जिसमें दो ग्रुप होते हैं जॉलिस और एग्नाथंस, जिसमें इंक्लूडेड है ऑस्ट्राकोडर्म एंड द साइक्लोस्टोम्स जिसमें पेट्रोमाइजोन एंड मिग्जीन आते हैं, और नाथोस्टोम्स द जॉड वर्टिब्रेट्स जो शुरू होते हैं फिशेज से और आगे जा करके ये कार्टिलेजिनस फिशेज में इवॉल्व हुए हैं, ब्रेव फिन फिशेज में इवॉल्व हुए हैं, डोर फिन फिशेज में, ये बोनी फिशेज में इवॉल्व हुए हैं, उसके बाद टेट्रापोड स्ट्रक्चर डेवलप हुआ है, मतलब चार लिम्ब वाले स्ट्रक्चर्स डेवलप हुए हैं जिनका फर्स्ट रिप्रेजेंटेटिव है एम्फीबियंस, देन आर द रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स के फिर दो दो डायरेक्शन में इनका इवोल्यूशन हुआ है, एक डायरेक्शन में ये बर्ड्स में इवॉल्व हुए हैं और दूसरे डायरेक्शन में मामल में डाइवर्ज हुए हैं। तो एक चीज और यहाँ पे ध्यान देना जरूरी है कि कॉर्डेटा, नॉन कॉर्डेटा से कॉर्डेटा का डेवलपमेंट जो हुआ है उसके बहुत फॉसिल एविडेंसेस नहीं है, ये फैक्ट बट है, और इस फैक्ट को स्टैब्लिश किया गया है थ्रू डिफरेंट प्रोटोकॉर्डेट जीनोमिक स्टडीज से, कंपैरेटिव जीनोमिक स्टडीज से, जिनके तीन मुख्य पार्ट हैं, मॉलिकुलर फाइलोजेनी, देन कंपैरेटिव जीनोमिक स्टडीज एंड कंपैरेटिव जीन एक्सप्रेशन प्रोफाइलिंग। इन तीन तरीकों से ये फैक्ट एस्टैब्लिश है कि नॉन कॉर्डेटा का, ड्यूट्रोस्टोम का द मोस्ट मॉडर्न नॉन कॉर्डेटा ग्रुप आता है इकाइनोडर्म्स, जिनसे कॉर्डेट्स का इवोल्यूशन हुआ है, बट इंटरमीडिएट स्टेजेस का प्रूफ्स फॉसिल के फॉर्म में अवेलेबल नहीं है, प्रोबेबली इसलिए कि जो एंसेस्ट्रल कॉर्डेट्स थे वो काफी सॉफ्ट बॉडी थे जिनका इम्प्रिंट्स नहीं मिल सका है। तो वो एक फैक्ट हो गया, वो हम देखेंगे, इवोल्यूशनरी ट्री देखेंगे, एंड लास्ट वी विल सी दिस, ये जो डायग्राम है या प्रेजेंटेशन है दैट रिप्रेजेंट्स द क्लासिफिकेशन एज पर द लेटेस्ट लेटेस्ट एक्सेप्टेंस, जिसको हम एक्सेप्ट किया गया लेटेस्ट में जो शुरू हुआ है बिल्कुल ही एक्सटिंक्ट वेटुलिकोलियन से, जो कि प्रोबेबली एक वर्म लाइक नॉन कॉर्डेट है जिससे डिफरेंट डायरेक्शंस में एवोल्यूशन हुआ, ये हम लास्ट में देखेंगे। तो आज का हमारा कंटेंट जो हम देखने जा रहे हैं, दे आर मीनिंग ऑफ फाइलम कॉर्डेटा, ये हम ऑलमोस्ट देख चुके हैं, फाइलम कॉर्डेटा के जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स हैं, देन इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ फाइलम कॉर्डेटा, कॉर्डेटा ग्रुप का मीनिंग और इम्पोर्टेंट फीचर्स, थोड़ा और डिटेल्स में हम यहाँ पे देख मैंने दे दिया है, एक एक टॉपिक, एक एक पॉइंट हम डिस्कस डिटेल में नहीं करने जा रहे हैं, हम जस्ट टच करते हुए आगे बढ़ते हैं। डिटेल्स के लिए आप स्लाइड्स में अपना नोट्स बना सकते हैं, उसको पॉज करके या जूम करके देख करके। तो ये क्लासिफिकेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉर्डेट्स देखेंगे, देन कॉर्डेट फीचर्स शेयर्ड बाय नॉन कॉर्डेट्स, वो क्या फीचर्स हैं जब हम थेरीज देखेंगे, एक्चुअली यहाँ पे एंसेस्ट्री में हम थेरीज देखेंगे, और इसी दौरान थेरीज जब हम डिस्कस करेंगे तो थियोरीज के ही दौरान ये पॉइंट ज्यादा डिस्कस होगा, कॉर्डेट फीचर्स शेयर्ड बाय नॉन कॉर्डेट्स, वो क्या क्या नॉन कॉर्डेट के फीचर्स हैं जो कॉर्डेट में हैं, जिनको अज्यूम करके, जिनको अपना करके इवोल्यूशनरी हिस्ट्री बनाई गई है, एंसेस्ट्री कॉर्डेटा का डिसाइड किया गया है। एंड देन इन द लास्ट, ये हम सिर्फ एक स्लाइड हमने दे दिया, आउटलाइन क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम कॉर्डेटा, कॉर्डेट डाइवर्सिटी के बारे में हम पहले काफी डिटेल देख चुके हैं, तो ये हम मैंने एक बेसिस दे दिया है कि क्लासिफिकेशन के, जिससे कि आपको थोड़ा एक इमेजिनेशन में आ जाए, एक आपका
कंसेप्ट बन जाए कि कॉर्डेटा किस किस लाइन पे इवॉल्व हुए हैं फाइनली, स्टार्टिंग फ्रॉम द एंसेस्ट्रल कॉर्डेटा, जो पिकाया भी हो सकता है, विटुलिकोलिया भी हो सकता है, जिससे मॉडर्न मैमल बना है। पिकाया कॉर्डेट एंसेस्टर है, विटुलिकोलिया एनिमल एंसेस्टर की तरह माना जाता है। सो लेट अस कम टू द टॉपिक। ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइलम कॉर्डेटा हम देख चुके हैं। दीज आर द फोर बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स, डॉर्सल होलो नर्व कॉर्ड, ये याद रखिए। वर्टिब्रेटा में, नॉन कॉर्डेटा में, यहीं पे हम शेयर्ड कैरेक्टर्स देख लेते हैं। नॉन कॉर्डेट्स में ये नर्व कॉर्ड एक तो वेंट्रल होता है, एलिमेंट्री कैनाल के नीचे होता है, सॉलिड होता है, जबकि नॉन कॉर्डेट्स में या इस तरह का होता है, और कॉर्डेटा में ये डॉर्सल होता है, हॉलो होता है, और ये प्रोटेक्टेड होता है बाय द डेवलप्ड नोटोकॉर्ड इन द एडवांस पीरियड, जिसको हम कहते हैं बैकबोन। और ये नर्व कॉर्ड का एक और इम्पोर्टेंट कॉर्डेट कैरेक्टरिस्टिक है, ये फाइनल फॉर्म में जब ये वर्टिब्रेटा में कन्वर्ट होता है, तो इसका इसीलिए इसको अनदर टर्म यूज किया गया है, क्रेनिएट एपिसिफलाइजेशन होता है, एक डिस्टिंक्ट हेड बनता है जिसमें नोटोकॉर्ड के एंटीरियर पार्ट का इन्फ्लेमेशन से या डिफरेंट मैकेनिज्म से ब्रेन का स्ट्रक्चर बनता है, जो क्रेनियम के अंदर, ब्रेन बॉक्स के अंदर इंक्लोज होता है। और तब सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो इम्पोर्टेंट भाग हो जाते हैं, एक होता है ब्रेन, दूसरा होता है स्पाइनल नर्व कॉर्ड। ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है स्कल, और स्पाइनल नर्व कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है वर्टिब्रल कॉलम। हम देख रहे थे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स ऑफ कॉर्डेटा में, पहला हो गया नर्व कॉर्ड, दूसरा हो गया नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड हमने देख लिया, ये मेसोडर्मल इन ओरिजिन होना चाहिए। इसी के बेसिस पर ये जो इवोल्यूशनरी इनका जो डेवलपमेंट हुआ है, पहले जो हम इसके पहले देखते हुए आए हैं कि अगर हम इवोल्यूशनरी लाइन देखें कॉर्डेटा का, तो इवोल्यूशनरी लाइन में प्रोटोकॉर्डेटा एंड यूकॉर्डेटा दो मेजर ब्रांचेज हम मान सकते हैं। प्रोटोकॉर्डेटा में हेमीकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा इंक्लूड किया गया था, जिसमें से हेमीकॉर्डेटा तो अब टोटली ओमिटेड है इस प्रोटोकॉर्डेटा ग्रुप से, क्योंकि उसमें जो नोटोकॉर्ड जिसको कंसिडर किया गया था, वो बिल्कुल ही एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंटल लेवल पे मीजोडर्मल नहीं है ओरिजिन में। डिटेल्स बाद में देखेंगे। हो गया नोटोकॉर्ड के बारे में, ये हायर फॉर्म्स में ये स्प्लिट करता है, है इन फॉर्म ऑफ वर्टिब्री, फॉर्मिंग अ वर्टिब्रल कॉलम प्रोटेक्टिंग द स्पाइनल कॉर्ड, द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द नर्व कॉर्ड। देन इज द मसल अरेंजमेंट, ये भी एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, हालांकि ये टिपिकल कॉर्डेट कैरेक्टर्स में नहीं आता है, वी शेप अरेंजमेंट ऑफ बैंड्स ऑफ मसल्स। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है कॉर्डेटा का, जो हायर कॉर्डेट से ही इमर्ज होता है, सिफेलो कॉर्डेट से, जिसके बेसिस पर सिफेलो कॉर्डेटा को मोस्ट पॉसिबल एंसेस्टर ऑफ यू कॉर्डेट कहा गया है। एंड देन अनदर वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आर द फ्रिंजियल गिल स्लिट्स, ये जो जिनके थ्रू बॉडी का इंटरनल और एक्सटर्नल कम्युनिकेशन में आता है इन इन द प्रीवियस कॉर्डेट्स, और जो धीरे धीरे जिनका इंटरनलाइजेशन हुआ है, फेरिंग्स का फेरिंजोट्रेमी हुई है, और ये गिल स्लिट्स अंदर माइग्रेट किए हैं इन हायर फॉर्म जिनको वर्टिब्रेट्स कहते हैं, और गिल्स एंड प्रॉपर गिल्स विद कवर्ड विद ऑपरकुलम डेवलप हुआ, देन लंग डेवलप हुआ, और दैट एरियल सिस्टम ऑफ रेस्पिरेशन डेवलप हुआ। ये तीन इम्पोर्टेंट कैरेक्टर हैं, चौथा इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है पोस्ट एनल टेल, एनस की ओपनिंग के पीछे, दिस इज द एनस, और एनस के पीछे एक टेल का प्रेजेंस भी बहुत एसेंशियल कोऑर्डिनेट कैरेक्टर होता है। इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स हैं, हार्ट सिचुएटेड वेंट्रली, ब्लड फ्लो पैटर्न, देन एंडोस्टाइल, एक आयोडीन सिक्रेटिंग टिश्यू इन प्रोटोकॉर्डेट्स ऑब्जर्व किया गया है, जो यूरोकॉर्डेट एंड सिफेलोकॉर्डेट में ही इसी एंडोस्टाइल की बात कर रहे हैं। ये एंडोस्टाइल की तरह का एक रॉड, जिसको हेमीकॉर्डेटा के बैलेनोग्लॉसस में सो कॉल्ड माना गया था नोटोकॉर्डेटा, दैट इज नाउ रिजेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द डेवलपमेंटल बेसिस। एंड देन द लास्ट इज द सिफिलाइजेशन। इसके अलावा भी ट्रिप्लोब्लास्टिक बॉडी, मेटामरिज्म, ये कुछ और एडवांस कैरेक्टर्स हैं जो नॉन कॉर्डेटा में प्रिमिटिव कंडीशन में पाए जाते हैं, ट्रांजिशनल स्टेज में पाए जाते हैं प्रोटोकॉर्डेटा में, और फुली डेवलप्ड कंडीशन में पाए जाते हैं ईओकॉर्डेटा में।
So these are the structures that we are going in now. This is the protostomic condition and deuterostomic condition जिसको हम देखते हुए आ रहे हैं. तो प्रोटोस्टोमिक कंडीशन में स्पाइरल डेवलपमेंट होता है. 8 सेल स्टेज बनने के बाद स्पाइरली क्लीविंग क्लीवेज होता है जो डिटर्मिनेट होता है. जो सेल्स उसमें बने हैं उन सेल्स का फेट डिटरमाइंड है. जबकि ड्यूट्रोसोम्स में रेडियल क्लीवेज होता है और इनडिटर्मिनेट टाइप होता है. इसमें जो सेल्स बने हैं ये प्रेजम्प्टिव डिटरमाइंड, इनका फ्यूचर नहीं है अभी. इनके डिफरेंट टाइप ऑफ डिविजन्स रेडियली ये क्लीव करते हैं और इनका जो जो एम्ब्रियो बनता है वो इनडिटर्मिनेट टाइप होता है. टाइप डिटेल्स अभी हम नहीं जाते हैं. ब्लास्टोपोर डेवलप होता है पहले एनस में. एंटेरोसीलस कंडीशन होता है, यहाँ पे शाइजोसीलस कंडीशन कंडीशन होता है. तो अब ये एक टर्म आ गया, शाइजोसील एंड एंटेरोसीलस कंडीशन. शाइजोसील बनता है, इसमें भी ट्रूसीलोम डेवलप होता है. ट्यूब विद इन ट्यूब जो प्री वर्टिब्रेट में हमने देखा था वो यहाँ भी पाया जाता है. ये बाहर का ट्यूब है, ये अंदर का ट्यूब है. बट ये जो अंदर का ट्यूब है ये जो सीलोम है, दिस इज द सीलोम, इसका डेवलपमेंट के लिए स्प्लिटिंग ऑफ मीजोडर्म होता है. तो इस तरह के सीलोम को कहते हैं शाइजोसील. जबकि इस ड्यूट्रोस्टोम्स में ये जो आर्किंटेरॉन है जो एम्ब्रियोनिक गैस्ट्रुला में पाया जाता है, इस आर्किंटेरॉन में कुछ गैस्ट्रिक पाउचेज, गट पाउचेज डेवलप होते हैं और ये पाउचेज फर्दर डेवलप बनाते हैं. ये जो सीलोम दिख रहा है ये सीलोम स्प्लिटिंग ऑफ मीजोडर्म से नहीं होकर के इस एंटेरोसीलोमिक कंडीशन में जो इन एंटेरॉन है या आर्किंटेरॉन है गैस्ट्रुला का, उनमें डेवलप होते हैं कुछ गट पाउचेस और ये गट पाउचेस फर्दर फ्यूज होकर के बाहरी ट्यूब बनाते हैं. इस कंडीशन को हम कहते हैं एंटेरोसीलोमिक सीलोम. तो ये सब चीजें हम साथ साथ देखते चले जा रहे हैं. तो दिस इज वॉट वी आर गोइंग टू सी इन टू दिस. Now meaning of phylum Chordata, this is, I think it is a repetition of the previous what we have seen. कितना diverse Chordata का, कितने diversifications हैं, ये भी हम ये आप इस diagram से देख सकते हैं, इस representation से देख सकते हैं. कितने तरह के शुरुआत हुई है बिल्कुल pre-vertebrate condition से और किस तरह से ये, this is the urochordata, this is the hemichordata, then this is the cephalochordata. देन डिफरेंट डाइवर्जेंट ग्रुप्स हैं, डिफरेंट डाइवर्जेंट पीरियड्स हैं, एवोल्यूशनरी टाइम है. और ये डाइवर्जेंस, इसके लिए पूरा एक अलग वीडियो अगर आपको चाहिए फाइलम कॉर्डेटा का डाइवर्सिफिकेशंस पर अगर आप जानना चाहते हैं तो हम अलग से देख सकते हैं. दिस इज द टिपिकल सिफालोकॉर्डेट कैरेक्टरिस्टिक्स जिनमें पाया जाता है. ये एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है एक प्रोटोकॉर्डेटा का, जिसको हम सिफेलोकॉर्डेटा से कंपेयर कर सकते हैं, जिसमें गिल स्लिट्स प्रेजेंट है, न्यूरल ट्यूब डॉर्सल है, नोटोकॉर्ड बिलो द नॉर्सल ट्यूब है, नर्व कॉर्ड के और पोस्ट एनल टेल है. सो दिस इज द डायग्रामेटिक व्यू ऑफ अ कॉर्डेट. ये एक कॉर्डेटा का डायग्रामेटिक व्यू है जिसको कंपैरिजन किया जा सकता है विद द सिफेलोकॉर्डेटा. और इसी बेसिस पर सिफेलोकॉर्डेटा को अब तक का मोस्ट एक्सेप्टेबल एंसेस्टर माना गया है, जिसमें अब फिर से बहुत सारे वेरिएशंस आ चुके हैं जिनको हम आगे थ्योरीज में देखेंगे. अब ये कॉर्डेट का की पॉइंट है इस स्लाइड में, ये स्टार्टिंग फ्रॉम द आर्म फीडर. ये एक्चुअली ये जो रिप्रेजेंटेशन है, दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द लास्ट थ्योरी ऑफ द फिफ्थ थ्योरी रादर. अभी तक जितने थ्योरीज बने हैं उनमें इवोल्यूशन ऑफ कॉर्डेटा का बैरिंगटन के द्वारा दिया हुआ 1965 का एक थ्योरी है उसके बेसिस पर. तो इस ये जो की पॉइंट्स हैं, ये सारे पॉइंट्स ऑलमोस्ट हम डिस्कस कर चुके हैं. कॉर्डेट्स इंक्लूड ऑर्गेनिज्म हैविंग नोटोकॉर्ड, डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, फारिंजियल गिल स्लिट्स एंड फ्यू फीचर्स लाइक बाइलैटरल सिमेट्री, एक्सियल ऑर्गेनाइजेशन, ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन, सेगमेंटेशन विच आर कॉमन विथ नॉन कॉर्डेट्स. बहुत सारे ये कैरेक्टर्स नॉन कॉर्डेट से भी में भी हैं, अलग अलग लेवल के हैं. ओरिजिन ऑफ कॉर्डेटा स्टिल रिमेन्स अनआंसर्ड एंड कंसिडरेबल कंट्रोवर्सी एग्जिस्ट. ये तो हम वर्टिब्रेटा के समय भी देखते आ रहे हैं, अभी तक बहुत ज्यादा स्टैब्लिश फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं है. और यहाँ पे ये भी ध्यान देने की बात है कि नॉन कॉर्डेटा से कॉर्डेटा में डेवलपमेंट भले ही बहुत इनसिग्निफिकेंट है, अभी तक बहुत हाइपोथेसिस के ही फॉर्म में है, बट कॉर्डेटा ग्रुप में फिशेस से एम्फीबिया का इवोल्यूशन, एम्फीबिया से रिप्टिलिया का इवोल्यूशन, अब ये यहाँ पे फिर से कंसिडरेबल
कंट्रोवर्सी है, फिशेज से ही एम्फीबिया भी इवॉल्व हुए हैं, रिप्टीलिया भी इवॉल्व हुए हैं, फिर रिप्टीलिया से ही बर्ड भी इवॉल्व हुए हैं, मॉडर्न रिप्टीलिया भी इवॉल्व हुए हैं और मैमल भी इवॉल्व हुए हैं। तो इनके पूरे फॉसिल प्रूफ्स ऑलमोस्ट हैं, वो हम जब इवोल्यूशन उनका इवोल्यूशन देखेंगे तब हम देखेंगे। देन जियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स से बियॉन्ड डाउट दैट कॉर्डेट्स ओरिजिनेटेड प्रायर टू कैम्ब्रियन पीरियड। कैसे डेवलप हुए हैं ट्रांजिशनल स्टेजेस छोड़ करके, बाकी का सारा डिटेल्स अवेलेबल है। टाइम ऑफ ओरिजिन मालूम है, प्लेस ऑफ ओरिजिन में वर्ल्ड के किस कोने से डेवलप हुए हैं, मोस्ट प्रोबेबली कैलिफोर्निया का डेथ वैली में शायद डाइवर्सिफिकेशन हुआ है मेरीन से फ्रेश फ्रेश वाटर कॉर्डेट्स का, बट वो स्टैब्लिश फैक्ट नहीं है ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ फॉसिल्स। बट केम्ब्रियन पीरियड से भी पहले इनका इवोल्यूशन हुआ है। इसके लिए जैसा हम पिछले वीडियो में देख के आ रहे हैं, हाइकुला, हाइकुलिक्थिस, हाइकुइक्थिस, देन पिकाया, इन एंसेस्ट्रल फॉर्म से ये फैक्ट स्टैब्लिश हो गया है कि दे हैव ओरिजिनेटेड प्रायर टू कैम्ब्रियन पीरियड 700 मिया 700 मिया मिलियन ईयर्स अगो इन ये ओरिजिन हो चुके थे इन द कैम्ब्रियन स्ट्राटा। देर आर वेरियस थियोरीज रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ कॉर्डेट्स जो हम आगे देखेंगे। मोस्ट ऑफ थियोरीज सफर फ्रॉम सीरियस डिफेक्ट्स। ऑल ऑफ द थियोरीज रिगार्डिंग द एंसेस्ट्री ऑफ कॉर्डेट्स फ्रॉम नॉन कॉर्डेट गास्टैंक्शन सजेशन जो इवोल्यूशन हैज टेकन फ्रॉम सम फ्री स्विमिंग इकाइनोडर्म लार्वी पॉसिबली और इकुलेरिया लार्वा या बाइपिनेरिया लार्वा बाय मीन्स ऑफ पीडोमॉर्फोसिस और पीडोजेनेसिस हैव बीन एक्सेप्टेड। ये एक थियरी, बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हैं बट ये एक थियरी ऑलमोस्ट यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है कि इकाइनोडर्म का कोई लार्वल फॉर्म का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है पीडोजेनेसिस से, जिसमें लार्वल फॉर्म नियोटेनी से सेक्सुअल गोनाड्स एंड सर्टेन अदर ऑर्गन्स को डेवलप कर लिया है और प्रेजम्प्टिव क्वाड्रेटा या प्री क्वाड्रेट कंडीशन को अवेल किया है, जिससे कि आगे के क्वाड्रेट्स एंड वर्टिब्रेट्स इवॉल्व हुए हैं। ये एक फैक्ट है जो कि करीब करीब सभी साइंटिस्ट से एक्सेप्ट किया जाता है। और दूसरा फैक्ट ये भी काफी ज्यादा अब एक्सेप्टेबल है कि ये जो इवोल्यूशन हुआ है प्री वर्टिब्रेट से क्वाड्रेट्स का भी और वो क्वाड्रेट्स को का इवोल्यूशन दो लाइन पे हुआ है, पहले प्रोटो क्वाड्रेट्स इवॉल्व हुए हैं और उसके बाद ईयू क्वाड्रेट्स इवॉल्व हुए हैं। तो क्वाड्रेटा का को अब फिर इनका जो टैक्सोनॉमिक नॉमेनक्लेचर है वो अलग अलग तरीके से किया गया है। अभी तक में जो हम यहाँ पे जो हम डिस्कस कर रहे हैं उसमें हम क्वाड्रेटा को एक फाइलम मानते हैं और वर्टिब्रेटा को एक सब फाइलम मानते हैं। ये क्लैडोग्राम से हमने पिछले वीडियो में देखा है कि किस तरह से क्वाड्रेटा का बेसिक क्लासिफिकेशन में एक ग्रुप है ट्यूनिकेट्स प्लस जो मोस्ट प्रोबेबली इकाइनोडर्माटा का बाइपिनेरिया या ऑरिकुलेरिया लार्वा से डेवलप हुआ है, ट्यूनिकेट्स प्लस क्वाड्रेट्स का एक ब्रांच डेवलप हुआ है, देन अनदर ग्रुप में ये ट्यूनिकेट ओरिजिन से वर्टिब्रेट्स अराइज किए हैं और दूसरा जो ग्रुप है उसमें नॉन क्वाड्रेट प्रोटोक्वाड्रेट्स इवॉल्व हुए हैं, हेमी क्वाड्रेट्स एंड यूरोक्वाड्रेट्स। यूरोक्वाड्रेट्स का भी पीडोजेनेसिस से वो एडल्ट जो फॉर्म है उनमें उसकी भी अब कंट्रोवर्शियल पोजीशन हो चुकी है क्योंकि उसका एडल्ट सेसाइल होता है जबकि क्वाड्रेट्स आर मोस्टली फ्री लिविंग। सो दीज थियरी दीज पॉइंट्स वी विल सी इन कमिंग पॉइंट। देन इंक्लूजन ऑफ इकाइनोडर्म्स बोनोफोर्स एंड क्वाड्रेट्स अंडर ड्यूट्रोस्टोम, दिस इज ड्यूट्रोस्टोमिक कंडीशन हम बार बार देखते हुए आ रहे हैं जहाँ पर ब्लास्टोपोर एनस में डेवलप होता है। देन प्रोटोकॉर्डेट यूरोकॉर्डेट एंड सिफेलोकॉर्डेट आर मेंबर ऑफ फाइलम कॉर्डेटा। यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा को लार्जली एक्सेप्ट किया गया है कॉर्डेटा का पार्ट जबकि हेमी कॉर्डेटा को अब एक्सक्लूड किया जा चुका है। सो दीज आर द सर्टेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, यू कैन टेक दीज पॉइंट्स फॉर योर आंसर। देन बैरिंगटन्स व्यू वी विल सी इन द इन लास्ट। देन कम टू द ओरिजिन ऑफ एंसेस्ट्री ओरिजिन और एंड एंसेस्ट्री ऑफ कॉर्डेट्स। कॉर्डेट्स इवॉल्व समथिंग ड्यूरिंग कैम्ब्रियन पीरियड 500 मिलियन ईयर्स अगो। अब यहाँ पर भी कंट्रोवर्सीज हैं। 500 मिलियन ईयर्स अगो है बट कुछ अकॉर्डिंग टू सम पैलियंटोलॉजिस्ट
700 मिलियन ईयर्स अगो में भी कुछ एंसेस्ट्रल जो जिनके बारे में हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं, हाइकोएक्थिस एंड देन हाइकुएला देन पिकाया, इनका एग्जैक्ट टाइम पीरियड अवेलेबल नहीं है। कुछ साइंटिस्ट का या कुछ टैक्सोनॉमिस्ट का व्यू है कि ये करीब करीब मोर 550 मिलियन ईयर अगो से पहले इनका एग्जिस्टेंस हुआ है, ड्यूरिंग साइल्यूरियन एंड मिडल डिवोनियन पीरियड्स। दे मे हैव इवॉल्व फ्रॉम सम फ्रेश वाटर फॉर्म्स एज चैम्बरलेन इन 1900 पॉइंटेड आउट दैट ऑल मॉडर्न कॉर्डेट्स पॉजेस ग्लोमेरुलर किडनी। अब 1900 में 19 सेंचुरी में चेम्बरलिन के एक्सप्लेनेशन के हिसाब से, जिन्होंने सबसे पहले प्री वर्टिब्रेट कॉन्सेप्ट हाइपोथेसिस दिया, उनके हिसाब से इनका मानना ये रहा है कि फ्रेश वाटर में ओरिजिनेट होकर के कॉर्डेट्स फिर डाइवर्ज हुए हैं इन द मेरीन फॉर्म्स, फ्रेश वाटर फॉर्म्स, देन लैंड फॉर्म्स एंड सो ऑन। बट दिस थ्योरी अगेन, क्यों उनका ये कहना था कि सबसे पहले ऑस्मोरेगुलेशन के लिए किडनी डेवलप हुई और बाद में किडनी ने एक्सक्रीटरी फंक्शन एक्वायर किया, बट दिस थ्योरी इज नॉट एज मच एक्सेप्टेबल। हालांकि प्री वर्टिब्रेट हाइपोथेटिकल प्री वर्टिब्रेट इज येट एक्सेप्टेबल और बहुत सारी चीजें भी एक्सेप्टेबल हैं, बट फ्रेश वाटर ओरिजिन हैज बिन नाउ रिप्लेस बाय द मेरीन ओरिजिन बाय द रॉबर्टसन एंड सर्टेन अदर वर्कर्स। बहुत सारे वर्कर्स अब इस थ्योरी पर स्टिक करते हैं कि नो, द ओरिजिन ऑफ कॉर्डेटा हैज बिन टेकन इन सी, बिकॉज इसका एक इम्पॉर्टेंट बहुत बड़ा रीजन ये भी है कि इकाइनोडर्म्स जिनको माना गया है द स्टेज जिनसे ट्रांजिशनल स्टेज प्री वर्टिब्रेट ट्रांजिशनल स्टेज के थ्रू कॉर्डेटा का डेवलपमेंट हुआ है, दे आर ऑल मेरीन। ऑल नोन कैम्ब्रियन एंड ऑर्डोविशियन वर्टिब्रेट्स ऑकर्ड एज मेरीन फॉसिल्स। जितने फॉसिल्स अवेलेबल हैं, जो भी अवेलेबल हैं, वो भी सारे मेरीन ही हैं। सो दीज व्यूज दे सपोर्ट दैट द कॉर्डेट्स हैव इवॉल्व फ्रॉम सर्टेन ड्यूट्रोस्टोम एंसेस्टर, और जो ड्यूट्रोस्टोम में आता है इकाइनोडर्म, हेमिकॉर्डेट, पोगोनोफोर्स, लोफोफोर आदि, ये सारे ग्रुप्स आते हैं। मेजर एंड माइनर फाइला ऑफ नॉन कॉर्डेटा भी आते हैं इसमें, जो ड्यूट्रोस्टोम है और उन्हीं में से किसी से मोस्ट प्रोबेबली इकाइनोडर्म लार्वी से मॉडर्न कॉर्डेट्स इवॉल्व हुए हैं। सिमिलैरिटीज इन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, टाइप ऑफ सिलोम एंड लार्वल स्टेजेस, ये तीन बेसिक कैरेक्टर्स कंसिडर किए गए हैं। फॉसिल्स ऑफ अर्लीस्ट वर्टिब्रेट्स नोन फ्रॉम साइल्यूरियन डिवोनियन पीरियड आर द ऑस्ट्राकोडर्म्स। अब ये ऑस्ट्राकोडर्म, प्लैकोडर्म, जॉज जॉड वर्टिब्रेट्स, जॉलेस वर्टिब्रेट्स, ये इनका बारे में हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं, उनका कोर्स ऑफ इवोल्यूशन हम लास्ट में देख लेंगे जब क्लासिफिकेशन का स्लाइड मैंने इसीलिए डाला है। और सिंस द अर्लियर कॉर्डेट एंसेस्टर्स वेर सॉफ्ट बॉडीड, एडिक्वेट फॉसिल रिकॉर्ड ऑफ एंसेस्टर प्री वर्टिब्रेट्स इज नॉट अवेलेबल। इमेजिनरी जनरलाइज एंसेस्ट्रल हाइपोथेटिकल कॉर्डेट अभी तक दिया गया है। और वो हाइपोथेटिकल कॉर्डेट का जो बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं कुछ, इट वॉज एन एक्वेटिक, मोटाइल, एक्टिवली स्विमिंग, फिश लाइक और स्ट्रीमलाइन जिसको कहते हैं, बाइलैटरली सिमेट्रिकल एनिमल विथ डेफिनेट हेड एंड टेल एंड्स। दिस इज अजम्पशन, ये अजम्पशन है क्योंकि ये प्रोटोकॉर्डेट इवन सिफेलोकॉर्डेट थ्योरी को इसीलिए बहुत ही यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं हुआ है क्योंकि एम्फियोक्सस में सिफेलाइजेशन के अलग से हेड के फॉर्मेशन का कोई डिस्टिंक्ट हेड एंड टेल टेल रीजन तो है, पोस्ट एनल टेल एनस जहाँ पर है उसके बाद का उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, पर सिफिलाइजेशन के कोई डिमार्केशन अवेलेबल नहीं है। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट फीचर कंसिडर किया गया है इस प्री वर्टिब्रेट का, ट्यूब विद इन ट्यूब, इसके बारे में हम काफी देख चुके हैं। सिलोमिक ट्यूब है, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इक्टोडर्म ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन बनता है, तीन मेजर जर्मिनल लेयर्स बनते हैं गैस्ट्रुला के फॉर्मेशन के दौरान जो एक कैविटी को एनसर्कल करते हैं जिसको आर्केंटरॉन कहते हैं, और ये आर्केंटरॉन बनता है अगर मीजोडर्म की स्प्लिटिंग से, शाइजोसिलिक कंडीशन वो नॉन कॉर्डेट कंडीशन होता है, और इंटरोसिलोमिक सिलोम दैट इज ये जो गैस्ट्रो आर्केंटरॉन है, इस आर्केंटरॉन से बहुत सारे गैस्ट्रिक गट पाउचेज निकलते हैं।
ये आर्क इंटरॉन डेवलप करेगा गट में और ये एंटरॉन में, और ये पाउचेस फ्यूज करके बनाएंगे सीलोम। इस सीलोम को कहते हैं एंटेरोसीलोमिक सीलोम। तो शाइजोसील एंड एंटेरोसीलोमिक सीलोम के बारे में हम इसके पहले भी देख चुके हैं। सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन। सो देन ओनली बेसिस फॉर जजिंग द एंसेस्ट्री ऑफ द ग्रुप कॉर्डेटा ग्रुप रादर डिपेंड्स अपॉन द स्टडी ऑफ रिजेम्बलेंसेज बिटवीन लोअर कॉर्डेट्स। अब जो हमारे पास जो चारा है, जो अवेलेबल ग्राउंड है, सिर्फ यही है, क्योंकि फॉसिल रिकॉर्ड्स नहीं है तो हमारे पास और कोई चारा नहीं है, कोई अदर वे नहीं है। अजम्पशंस के थ्रू हम ये अज्यूम करें कि किन किन ट्रांजिशनल फेजेस के दौरान इकाइनोडर्म का एंसेस्टर से थ्रू द पोगोनोफोर, लोफोफोर, फोरोनिट्स, ये कुछ नॉन कॉर्डेट ग्रुप्स हैं जिनमें कुछ रिजम्बलेंसेज पाए गए हैं, जिनके आधार पर डेवलप हुआ होगा ट्रांजिशनल फेजेस इमेजिन करके प्री वर्टिब्रेट कंडीशन डेवलप हुआ होगा, जिससे कि कॉर्डेटा ग्रुप इवॉल्व हुआ होगा विद द प्रोटोकॉर्डेट्स एंड यूकॉर्डेट्स डाइवर्सिफिकेशन। एंड दीज इमेजिनेशंस बिटवीन द लोअर कॉर्डेट्स एंड हायर नॉन कॉर्डेट्स, सिमिलैरिटीज बिटवीन टू मेन मे बी टू, मतलब नॉन कॉर्डेट एंड कॉर्डेट बायलैटरल, और ऑफ कोर्स हायर ड्यूट्रोस्टोमिक नॉन कॉर्डेट्स यहाँ पे हमारा मतलब है, बायलैटरल सिमेट्री एंटेरो पोस्टीरियर बॉडी एक्सिस, ट्रिप्लोब्लास्टिक सीलोमिक कंडीशन, मेटामरिक सेगमेंटेशन दैट मे कॉज द कॉमन एंसेस्ट्री। द सिंपलेस्ट कॉर्डेट्स वॉज द प्री वर्टिब्रेट और प्रोटो वर्टिब्रेट। कुछ साइंटिस्ट ने इनको इस हाइपोथेटिकल एंसेस्टर को प्रोटो वर्टिब्रेट कहा, कुछ ने प्री वर्टिब्रेट कहा। दिस इज द बॉडी प्लान ऑफ द एंसेस्ट्रल वर्टिब्रेट, जिसके बारे में हम ट्यूब विद इन ट्यूब एंड अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो बेसिक कॉर्डेट कैरेक्टर्स हैं, फेरिंजियल गिल स्लिट्स, इंटरनलाइजेशन इनका हो चुका है, देन ट्यूब विद इन ट्यूब सिस्टम है, ये सीलोम है, ये इसके अंदर एलिमेंट्री कैनाल है, एलिमेंट्री कैनाल के साथ साथ विसरल पार्ट में जेनाइटल डक्ट, जर्मिनल एपिथीलियम से गोनाड्स डेवलप हो चुके हैं। ये सारे स्ट्रक्चर्स तो डेवलप हो ही चुके हैं जो कॉर्डेट मेन कैरेक्टर्स हैं। इसमें वी शेप मायोटोम्स का डेवलपमेंट है, टेल रीजन डिस्टिंक्ट है, और ये जो नोटोकॉर्ड एंड नोकॉर्ड का कंडीशन है, ये नोटोकॉर्ड स्प्लिट हो चुका है प्री वर्टिब्रेट में। ये इमेजिनरी कंडीशन है जिनमें की मोस्ट प्रोबेबली द साइंस ऑफ वर्टिब्री दैट इज द ब्रेकिंग ऑफ नोटोकॉर्ड इनटू द पीसेस जॉइंट टुगेदर गिविंग द फ्लेक्सिबिलिटी टू बॉडी, ये वर्टिब्रल कॉलम की तरह का स्ट्रक्चर डेवलप हो चुका है जिसके अंदर, और दिस इज द हेड रीजन, सिविलाइजेशन स्टार्ट हो चुका है। ये ब्रेन है जो स्कल में बंद है, इसीलिए प्रेनिएटा कंडीशन, इन इनिशियल प्रेनिएट कंडीशन इट एक्सप्लेन्स, एंड दिस इज द स्पाइनल कॉर्ड इनक्लोज्ड इनटू दिस नोटोकॉर्डल और वर्टिब्रल कॉलम ट्यूब। सो दीज आर द पॉइंट्स ऑन व्हिच द फर्दर थ्योरी, जो हम आगे थ्योरीज डिस्कस करेंगे। नाउ प्लेस ऑफ ओरिजिन एंड टाइम ऑफ ओरिजिन हम बार बार बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, इसको आप यहाँ से अपने नोट्स के लिए यहाँ से आप इसको स्लाइड से ले सकते हैं। नाउ कम टू द थ्योरीज ऑफ कॉर्डेट ओरिजिन। मुख्य रूप से दो लाइन पर थ्योरीज डिस्कस किए गए हैं, प्रोटोस्टोमिक थ्योरीज एंड ड्यूट्रोस्टोमिक थ्योरीज। तो प्रोटोस्टोमिक थ्योरीज में जैसे ही हम देख चुके हैं कि ये प्रोटोस्टोम्स आर फ्रॉम सिलेंट्रेट टू द प्रिमिटिव इकाइनोडर्म्स, और इनमें एक ही सबसे ज्यादा जो पॉइंट एक ही दो पॉइंट हैं जिनको हम कंसिडर करके, जैसे सीलोम सिलेंट्रेट थ्योरी, कोई भी इसका बेसिस नहीं आगे मिला है एक्सेप्ट फॉर कि इनमें कैविटी पाई जाने लगी है। हालांकि सिंगल कैविटी है इसलिए बिल्कुल ही इस थ्योरी को कोई एग्जिस्टेंस नहीं मिला, सपोर्ट नहीं मिला। एनलिट थ्योरी जहाँ ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन है, बायलैटरल सिमेट्री है, मेटामरिज्म है, दिस इज द स्पेलिंग इज रॉन्ग हियर, इट विल बी मेटामरिज्म, आई थिंक इट विल बी मेटामरिज्म, दैट इज ट्रू बॉडी सेगमेंटेशन, हेड, लैटरल सिलोम, कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, हीमोग्लोबिन, ये कुछ एनिलीड में कुछ कंपैरेटिवली कॉर्डेट कैरेक्टर्स पाए गए हैं, बट इनको एंसेस्टर बिल्कुल ही नहीं माना गया ऑन द बेसिस ऑफ दैट प्रोटोस्टोमिक कंडीशन, जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान और भी कुछ कंडीशंस रिजेक्शन के लिए माने गए,
दैट इज इसीलोमिक, शाइजोसिलिक, ये भी एक एंटेरोसिलोमिक कंडीशन होता है ड्यूट्रोस्टोम्स में या कॉर्डिट्स में. सो डिटेल्स यू कैन टेक फ्रॉम हियर, दिस थ्योरी आल्सो हैज नॉट बीन एक्सेप्टेड. तो प्रोटोस्टोमिक थ्योरी जिसमें कि स्पाइरल क्लीवेज, ब्लास्टोपोर, माउथ, ये थ्योरी कंप्लीटली डिस्कार्डेड है. ये थ्योरी ड्यूट्रोस्टोमिक थ्योरी हैज बीन वाइडली एक्सेप्टेड ऑन द बेसिस ऑफ विच पांच तरह के ड्यूट्रोस्टोमिक थ्योरी. ड्यूट्रोस्टोमिक फाइलोजेनी के बारे में हम काफी डिस्कस कर चुके हैं, आप पॉइंट्स इस स्लाइड से ले सकते हैं. ड्यूट्रोस्टोम फाइलोजेनी बताता है कि एक ड्यूट्रोस्टोमिया है एक कॉमन एंसेस्टर जो मोस्ट प्रोबेबली एक आइनोडर्म लार्वी है, बाइपिनेरिया या ऑरिकुलेरिया जिसे मॉडर्न काइनोडर्म्स भी डेवलप हुए हैं, हेमिकॉर्डिट्स डेवलप हुए हैं जो अब नॉन कॉर्डिट प्लांट पे हैं, और प्रॉपर कॉर्डिटा फाइलम डेवलप हुआ है जिसको हम ये कंसिडर कर सकते हैं कि ये प्रोटोकॉर्डिट्स, यूरोकॉर्डिटा, सिफालोकॉर्डिटा जिनको पहले यूनाइटेडली प्रोटोकॉर्डिटा कहा जाता था लेटेस्ट कंसेप्ट में, इनके भी दो लाइन ऑफ इवोल्यूशन है. क्योंकि यूरोकॉर्डिटा जो एडल्ट यूरोकॉर्डिटा है वो बहुत ही डिफरेंट है कॉर्डेट से. तो इनके इस थ्योरी ऑफ ओरिजिन को भी, बेसिस को भी अब एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है. इवन सिफालोकॉर्डेटा थ्योरी भी अब एक्सेप्टेड नहीं है, बल्कि एक कंबाइंड थ्योरी एक्सेप्टेड है. एंड क्रेनिएटा ग्रुप इवॉल्व जिससे इवॉल्व हुए हैं वर्टिब्रेटा. सो दिस इज द ड्यूट्रोस्टोम फाइलोजेनी एंड दिस इज द ड्यूट्रोस्टोम कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉर्डेट ओरिजिन. दिस इज ओनली फॉर योर नोट्स, दिस स्लाइड इज नाउ. प्रोटोस्टोमिक थ्योरी हम देख चुके, ड्यूट्रोस्टोम कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉर्डेट ओरिजिन के बारे में कुछ लाइंस हम देख लें, ये सारे लाइंस बार बार रिपीटेशन ही हैं. वर्टिब्रेट ओरिजिन इज पावरफुली इन्फॉर्म्ड बाई कंपैरेटिव मॉर्फोलॉजी, एम्ब्रायोलॉजी एंड जीनोमिक्स ऑफ कॉर्डेट्स. सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट एंसेस्ट्री का बेसिस यही है, जीनोमिक्स ऑफ कॉर्डेट्स जो थ्री लाइंस पे जिनको जो ऑब्जर्व किए गए हैं या जिनके बारे जिनकी स्टडी की गई है, मॉलिक्यूलर फाइलोजेनी, देन कंपैरेटिव जीनोमिक स्टडीज जिसमें टू राउंड्स ऑफ सीलोमेट जीनोम डुप्लीकेशन पर मेथड्स स्टडी किए गए हैं, और थर्ड है कंपैरेटिव जीन एक्सप्रेसिव प्रोफाइलिंग सिस्टम. इन तीनों जीनोमिक स्टडीज से ये एस्टैब्लिश फैक्ट है कि नॉन कॉर्डिटा दैट्स टू ड्यूरोस्टोम्स का ड्यूटरोस्टोम सॉरी ड्यूट्रोस्टोम से थ्रू कॉर्डेट्स इवॉल्व हुए हैं, और दैट लाइन इंक्लूडेड द हेमिकॉर्डेटा, इकाइनोडर्मेटा, ये भी इंक्लूडेड है इस कॉर्डेट एंसेस्ट्री की स्टडी में, विच टुगेदर मेक अप द ड्यूट्रोस्टोम क्लैड. ड्यूट्रोस्टोम क्लैड हम देखते हुए आ रहे हैं, दिस इज द ड्यूट्रोस्टोम क्लैड. इस क्लैड के अकॉर्डिंग कॉर्डेट्स की ओरिजिन हुई है. नाउ बेसिक पॉइंट्स यू कैन टेक फ्रॉम हियर. नाउ ऑल दीज थ्री शेयर, तीनों इन हेमिकॉर्डेटा, मॉडर्न इकाइनोडर्म्स, हेमिकॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स, दे शेयर दीज थ्री कॉमन कैरेक्टर्स. रेडियल इनडिटर्मिनेट, यहाँ पे स्पेलिंग गलत है, दिस विल बी इनडिटर्मिनेट. क्लीवेज फॉर्मेशन ऑफ एनस बाय ब्लास्टोपोर, मीजोडर्म फॉर्म्स डॉर्सोलेटरल आर्केंटरॉन इन फॉर्म ऑफ गट पाउचेस, एंटेरोसिलोमिक सिलोम, एंड दे यूज सम प्रोटीन लाइक क्रिएटिन फॉस्फेट एज एनर्जी सोर्स. ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, मॉलिक्यूलर सिग्नेचर जो वर्टिब्रेटा में देख करके आ रहे हैं उसमें सीएसआईआर के बारे में हमने देखा था, शायद मैं नाम थोड़ा सा भूल रही हूँ, आप रिकॉल कर लीजिए पिछले वीडियो से, जिसमें एक चीज हमने देखा था क्रिएटिन फॉस्फेट एज एनर्जी सोर्स. जो ड्यूट्रोस्टोम्स क्रिएटिन फॉस्फेट यूज करते हैं एज एनर्जी सोर्स, जबकि द प्रोटोस्टोम्स या दूसरे ग्रुप्स जिनमें कुछ काइनोडर्म्स को भी ऑब्जर्व किया गया जो आर्जिनिन फॉस्फेट एपी बायोकेमिकल ग्रुप को भी यूज करते हैं एनर्जी सोर्स की तरह, इसीलिए प्रोटोस्टोमिक थ्योरी इज नॉट एक्सेप्टेड एज मच एज द ड्यूट्रोस्टोमिक थ्योरी हैज बीन. एज मच क्या, प्रोटोस्टोमिक थ्योरी टोटली डिस्कार्डेड है. एनाटॉमिकल, एम्ब्रियोलॉजिकल, बायोकेमिकल एंड पैलियोन्टोलॉजिकल एविडेंसेस आर द बेसिस ऑफ ड्यूट्रोस्टोमिक थ्योरी. नाउ लेट अस सी, ड्यूट्रोस्टोमिक थ्योरी में हम देख चुके हैं, ड्यूट्रोस्टोमिक थ्योरी में पांच इंपॉर्टेंट थ्योरीज एक्सप्लेन किए गए हैं, इकाइनोडर्म थ्योरी, हेमिकॉर्डेट थ्योरी, यूरोकॉर्डेट थ्योरी, सिफेरोकॉर्डेट थ्योरी
एंड बैरिंगटन कंबाइंड थ्योरी, जिसमें आज के डेट पर एक्सेप्टेड सिर्फ यही बैरिंगटन कंबाइंड थ्योरी है, जिसके डिटेल्स यहाँ पे कुछ हैं, जिसको हम लास्ट स्लाइड में देखेंगे कंबाइंड। अब हम एक एक करके देख लें। इकाइनोडर्म थ्योरी के बारे में हम ज्यादा देख चुके हैं। दिस इज द इकाइनोडर्म थ्योरी का एक्सप्लेनेशन। दिस थ्योरी वाज गिवन बाय जोहान्स म्यूलर इन 1960 एंड बेस्ड ऑन कंपैरेटिव स्टडीज ऑफ लार्वल स्टेजेस ऑफ इकाइनोडर्म्स एंड हेमीकॉर्डेट्स। हेमीकॉर्डेटा को जब कॉर्डेटा ग्रुप में रखा गया था, प्रोटोकॉर्डेटा में रखा गया था, तो सबसे बड़ा बेसिस यही था कि इकाइनोडर्म लार्वी, जिनमें ऑरिकुलेरिया या बाइपिनेरिया या बहुत सारे और भी फॉर्म्स आते हैं, डिप्लोरेला, डोलियोलेरिया, दीज आर द फॉर्म्स, प्रोटियस, दीज आर द फॉर्म्स ऑफ, दीज आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ प्लूटियस, सॉरी, डिप्लोरेला, दीज आर द फॉर्म्स ऑफ द इकाइनोडर्म लार्वी, जिनसे डेवलप हुआ है टॉर्नेरिया, दिस इज द इकाइनोडर्म, ये हेमीकॉर्डेटा का लार्वल फॉर्म है। और यही सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग बेसिस था हेमीकॉर्डेटा को कॉर्डेटा में इंक्लूड करने का, जो कि बाद में एक्सेप्टेड नहीं हुआ ड्यू टू डिफरेंस वेरियल जीनोमिक स्टडीज से भी और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंटल स्टडीज से भी। बट हाउएवर व्हाट एवर द कंडीशन इज, अब ये रिजेक्ट हो चुका, पर इसको क्यों अपनाया गया था उसके सपोर्ट में, ये सपोर्ट किए थे इस मोलर्स के व्यू को गास्टान भी एंड डी बियर्स भी, प्रपोज दैट इकाइनोडर्म लार्वी गेव राइज टू कॉर्डेट्स बाय नियोटिनी। नियोटिनी आप जानते होंगे, नियोटिनी का मतलब है पीडोजेनेसिस का एक फॉर्म है, जिसमें कि लार्वा एडल्ट में कन्वर्ट होने की जगह एडल्ट इकाइनोडर्म में कन्वर्ट नहीं हो करके, ये इकाइनोडर्म लार्वा, इसने सेक्सुअल ऑर्गन्स गोनाड्स डेवलप कर लिए और ये इंटरनल ट्यूब लाइक एलिमेंट्री कैनाल डेवलप कर लिया और एक एडल्ट की तरह लाइफ बिताने लगा, दैट इज कॉल्ड एज पीडोजेनेसिस और नियोटिनी। ऑल्सो लाइक कॉर्डेट्स इकाइनोडर्म्स आर द ड्यूट्रोस्टोम, दूसरा पार्ट सपोर्टिंग एविडेंस था कि इकाइनोडर्म्स की तरह ही कॉर्डेट्स भी ड्यूट्रोस्टोम है, पॉजेज मीजोडर्मल स्केलेटल एलिमेंट्स। और बाकी ये तो डिस्कवरी है, द डिस्कवरी ऑफ फॉसिल इकाइनोडर्म कॉल कैल्सी कॉर्डेटा फ्रॉम ऑर्डोविशियन पीरियड फर्दर कंफर्म्स इकाइनोडर्म एंसेस्ट्री। देन द डिटेल्स ऑफ दीज यू कैन टेक फ्रॉम दिस नोट, बट अब इसका बहुत ज्यादा मतलब नहीं है, क्योंकि ये थ्योरी के ड्रॉबैक्स हैं प्रेजेंस ऑफ एपिकल प्लेट एंड आई स्पॉट इन टॉर्नेरिया लार्वा। टॉर्नेरिया लार्वा में कुछ एपिकल प्लेट एंड आई स्पॉट ऑब्जर्व किए गए, जो हेमीकॉर्डेटा में बैलेनोग्लॉसस का लार्वल फॉर्म है। एग्जैक्टली बैलेनोग्लॉसस का तो नहीं, कुछ और जो हेमीकॉर्डेट के फॉर्म्स हैं उनके का लार्वल फॉर्म है, और तब हेमीकॉर्डेटा को सबसे पहला कॉर्डेटा एक्सेप्ट किया गया था। तो उस बेसिस पर यहाँ इकाइनोडर्म थ्योरी को रिजेक्ट किया गया, क्योंकि इकाइनोडर्म लार्वा में ये आई स्पॉट्स और एपिकल प्लेट प्रेजेंट नहीं थे। ओफ्यूरॉइड्स, दिस इज द इकाइनोडर्म एसीरियंस, ये यूरोकॉर्डेटा का लार्वल फॉर्म है, एंड सिफेलोकॉर्ड्स एंड वर्टिब्रेट्स यूज सीपी, दैट इज क्रिएटिनिन फॉस्फेट एज एनर्जी सोर्स, वेयर एज हेमीकॉर्डेट एंड इकाइनोडर्म्स यूज क्रिएटिनिन फॉस्फेट प्लस आर्जिनिन फॉस्फेट एज एनर्जी सोर्स ऑफ एनर्जी। तो ये दो रीजन से जिनकी वजह से दिस थ्योरी हैज बीन डिस्कार्डेड। देन द नेक्स्ट थ्योरी कम्स द हेमीकॉर्डेट ओरिजिन, इसको रोमर 1959 में सजेस्ट किए थे, और ये थ्योरी काफी समय तक काफी इट हैज एक्सेप्टेड वाइडली बाय द मेनी टैक्सोनॉमिस्ट, एंड दे हैव सजेस्टेड दैट ड्यूट्रोस्टोम्स वेर सेडेंटरी टेंटेकल फीडर्स। मतलब ये ड्यूट्रोस्टोम्स सेसाइल फॉर्म्स, एक जगह किसी सबस्ट्रेटम से चिपक के रहते हैं, सेडेंटरी मतलब फिक्स रहते हैं। टेंटेकल फीडर्स मतलब अब ये खाना तब खोजेंगे कैसे, इसके लिए उन्होंने अपने में टेंटेकल की तरह के स्ट्रक्चर डेवलप किए, और इन टेंटेकल्स पर सीलियरी फीडर्स, सीलिया डेवलप होता है, सीलिया था, जिसकी वजह से इन टेंटेकल्स के मूवमेंट से करंट क्रिएट होता है बॉडी वाटर में, और उस करंट के साथ फूड पार्टिकल एंटैंगल वाटर करंट इनसाइड खींचते थे, क्रिएट करते थे वाटर करंट कमिंग इनसाइड, और ये कंडीशन पाया गया दिस हैज डेवलप्ड इनटू द लोफोफोरेट्स एंड टीरोब्रांकहेमी कॉर्डेट। ये कंडीशन
प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया गया टीरो ब्रांकेमिकॉलेटा में, सिफालोडिस्कस में और रैबडोप्लूरा में ये कंडीशन ऑब्जर्व किया गया, जिसको हेमिकॉर्डेट ओरिजिन के सपोर्ट में माना गया। बाय सम म्यूटेशन फारिंजियल गिल स्लिट्स इवॉल्व इन दीज एंसेस्टर्स व्हिच मेड द फारिंग सीड लाइक परफोरेटेड फारिंग्स डेवलप हुआ। कुछ म्यूटेशनल चेंजेस की वजह से फारिंजियल गिल स्लिट्स इवॉल्व हुए, जो फारिंग्स को परफोरेटेड बनाए टू ट्रैप प्लांकटंस एज वाटर करंट पास थ्रू इट। देन एक्सटेंट टीरो ब्रांक्स, एक्सटेंट मतलब लिविंग, एग्जिस्टिंग टीरो ब्रांक्स अ ग्रुप ऑफ हेमिकॉर्डेट पॉजेस बोथ सीलिएटेड आर्म्स एंड फेरिंजियल गिल स्लिट्स। तो इस हेमिकॉर्डेट ओरिजिन के सपोर्ट में ये आया कि हेमिकॉर्डेटा के एक ग्रुप में सीलिएटेड आर्म्स, जो नॉन कॉर्डेटा का स्पेशलिटी था, और फेरिंजियल गिल स्लिट्स दोनों पाए गए। डिपॉजिट हॉलो डोर्सल नर्व कॉर्ड एज कॉर्डेट, हेमिकॉर्डेटा में हॉलो डोर्सल नर्व कॉर्ड का प्रेजेंस है। Then Tornadia larva of hemichordates show phylogenetic relationship with echinoderm larvae and hemichordates also show affinities with chordates. तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके बेसिस पर हेमिकॉर्डेट ओरिजिन कंसिडर किया गया। बट मेजर ड्रॉबैक वॉज द लैक ऑफ ट्रू नोटोकॉर्ड एंड डिफरेंट बॉडी शेप्स। नोटोकॉर्ड सबसे बड़ा मेजर ड्रॉबैक था कि नोटोकॉर्ड जो सो कॉल्ड ये बेलेनोग्लॉसस है, इन इनमें या दूसरे हेमिकॉर्डेट्स में कुछ कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर पाए गए हैं इस प्रोबोसिस एंड कॉलर रीजन में, जिनको या एंडोस्टाइल से जिनको कंपेयर किया गया था फॉर लेटर स्टेजेज में, बट इनका डेवलपमेंटल कंडीशंस मिजोडर्म से बिल्कुल नहीं पाया गया, और ये सबसे पहला रीजन बना हेमिकॉर्डेट ओरिजिन के डिस्कार्डेशन का। देन द थियोरी केम एकाइनोडर्म हेमिकॉर्डेट थियोरी। अब इसके बाद द नेक्स्ट थियोरी जो आई वो दोनों कॉम्बिनेशन, दो पहले के दोनों थियोरीज को कंबाइन करके बनी कि कुछ एकाइनोडर्म हेमिकॉर्डेट एंसेस्टर्स इस तरह के हैं जिन जिनके थ्रू कॉर्डेट्स टू कॉर्डेट्स इवॉल्व हुए हैं। इनके सपोर्ट में काफी सारे पॉइंट दिए गए, एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस एंड सीरोलॉजिकल। सीरोलॉजिकल का मतलब मॉलिकुलर एविडेंस, जो प्रोटीन, सीरोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ प्रोटीन। तो जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं दोनों फॉर्म में, उनकी स्टडी के बेसिस पर जो एविडेंसेस दिए गए एकाइनोडर्म हेमिकॉर्डेट थ्योरी, दैट इज कोई एक ऐसा एंसेस्टर डेवलप हुआ है एकाइनोडर्माटा से हेमिकॉर्डेटा में कन्वर्ज करने के पहले, जिसमें एकाइनोडर्म कैरेक्टरिस्टिक्स भी थे और हेमिकॉर्डेट कैरेक्टरिस्टिक्स भी थे, जिनसे हेमिकॉर्डेटा डेवलप हुआ होगा। देन द यूरोकॉर्डेटा एंड सिफालोकॉर्डेटा डेवलप हुए होंगे। दिस इज द लाइन एकाइनोडर्म, ऑरिकुलेरिया लार्वा, हेमिकॉर्डेटा, टॉर्नेरिया लार्वा, प्रोटोकॉर्डेट, देन असीरियन टैडपोल जो यूरोकॉर्डेटा, देन फ्री स्विमिंग कॉर्डेट का इवोल्यूशन हुआ है। दिस इज द जनरलाइज लाइन ऑफ इवोल्यूशन गिवन बाई एन जे बेरिल इन 1953 इन हिज बुक ओरिजिन ऑफ वर्टिब्रेट्स, जिसमें एकाइनोडर्म हेमिकॉर्डेट थ्योरी को उन्होंने एक्सप्लेन किया। इसके एविडेंस में एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस दिए गए, बोथ एकाइनोडर्म्स एंड कॉर्डेट्स हैव एंटेरोसीलिक और एंटेरोसिलोमिक सिलोम, मीजोडर्म एंड यूट्रोस्टोमिक माउथ, देन रिजेंब्लेंस बिटवीन द बाइपिनेरिया लार्वा ऑफ सर्टेन एकाइनोडर्म्स एंड टॉर्नेरिया लार्वा, खास तौर से सीलेरी बैंड, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं इनके डिफरेंट इवोल्यूशनरी फॉर्म्स में। दीज सेंट्रल नर्वस सिस्टम डेवलप्स फ्रॉम अ डोर्सल स्ट्रिप ऑफ एक्टोडर्म। ये कहा गया कि एक्टोडर्म का जो स्ट्रिप है और ये सीलेरी बैंड जो पाए जाते हैं इन लार्वी पे, इन ये जो सीलेरी फॉर्म्स हैं, दिस इज द प्लान ऑफ डेवलपमेंट फ्रॉम एकाइनोडर्म, एकाइनोडर्म टू हेमिकॉर्डेट, हेमिकॉर्डेट टू यूरोकॉर्डेट, यूरोकॉर्डेट टू सिफालोकॉर्डेट एंड देन द ट्रू कॉर्डेट्स दैट इज द वर्टिब्रेट्स। दिस व्यू वाज आल्सो सपोर्टेड बाय हाइमेन इन 1959। हाउएवर दिस थ्योरी, इस थ्योरी को भी डिस्कार्ड किया गया ऑन द बेसिस ऑफ बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे मिले, जिसमें सबसे पहले फेरिंजियोट्रॉमी है, एंटेरोसिलोमिक सिलोम का डेवलपमेंट है, बॉडी शेप्स हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनका के डिफरेंस के आधार पर हेमिकॉर्डेट थ्योरी इज कम्प्लीटली रिजेक्टेड नाउ। बट एकाइनोडर्म थ्योरी इज नॉट येट रिजेक्टेड, एकाइनोडर्माटा थ्योरी अभी भी एक्सेप्टेड है। कुछ एकाइनोडर्म्स लार्वी हैं जिनसे डेवलप हुए हैं यूरोकॉर्डेट। यहाँ पे सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन ये हुआ कि एडल्ट का यूरोकॉर्डेटा जिसमें आते हैं लार्वेशियंस
हैलिएशियंस जिनमें डोलियोलम साल्पा, एनहर्डमेनिया, लार्वेशियंस ये जो आते हैं, ये सारे के सारे सेसाइल फॉर्म्स हैं, एडल्ट फॉर्म्स। हालांकि डोलियोलम साल्पा आर नॉट सो मच सेसाइल फॉर्म्स, बट दे हैव इवॉल्व एज सेसाइल फॉर्म्स। ये सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन है इन द एक्सेप्टेंस ऑफ यूरोकॉर्डेट ओरिजिन। बट इनका जो लार्वल फॉर्म जिसके जिस वो बहुत ज्यादा रिजेंबल करता है सिफेलोकॉर्डेटा को, कंफर्मिंग द यूरोकॉर्डेटा ओरिजिन ऑफ थ्योरी ऑफ कॉर्डेटा। एंड इट वाज गिवन बाय वी गास्टन एंड एनजी बेरिल इन 1928 एंड 55। एंड दिस थ्योरी सब गिव्स द दीज आर द पॉइंट्स रिगार्डिंग वर्टिब्री एंसेस्ट्री ऑन लिविंग सिफेलोकॉर्डेट्स एंड ट्यूनिकेट्स। ट्यूनिकेट्स का लार्वल फॉर्म सिफेलोकॉर्डेट से बहुत ज्यादा रिजेंबल करता है, और सिफेलोकॉर्डेटा को लार्जली एक्सेप्ट किया गया है कॉर्डेट एंसेस्टर्स के लिए। सो दीज आर द पॉइंट्स यू कैन गो थ्रू। ये गास्टेंस हाइपोथेसिस है जिसमें अर्ली वर्टिब्रेट का पीडोमॉर्फिक वर्टिब्रेट एंसेस्टर में कन्वर्ट हुआ, टैडपोल लार्वा दैट इज द एसीडियन लार्वा, ट्रू एसीडियन लार्वा है, जिसकी रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस के थ्रू ये एडल्ट एसीडियन सेसाइल फॉर्म में डेवलप हुआ है। दिस इज द मेटामॉर्फोसिस ऑफ एसीडियन लार्वा। ये आप ये सारे पॉइंट्स एंड डिटेल्स यू कैन टेक फ्रॉम दीज डायग्राम्स। बट दिस थियरी ऑल्सो हैज नॉट गॉट मच सपोर्ट ड्यू टू दिस नॉन रिजेंबलेंसेज ऑफ द एडल्ट यूरोकॉर्डेट्स विथ द सिफेलोकॉर्डेट और द फर्दर कॉर्डेट ग्रुप। सो ये थ्योरी भी बहुत ज्यादा एक्सेप्टेंस में नहीं आई। सिफेलोकॉर्डेट थ्योरी गिवन बाय चैम्बरलिन इन 1900, इस थ्योरी में काफी सपोर्ट मिला। दिस इज द एसीडियन लार्वा एंड दिस इज द एम्फियोक्सिस, द सिफेलोकॉर्डेट, द वेल मोस्ट नोन एंड वेल नोन एंड मोस्ट इवॉल्व सिफेलोकॉर्डेटा इज द एम्फियोक्सिस, जिसका जिनके रिजेम्बलेंसेज के बेसिस पर इस थ्योरी को बहुत ज्यादा एक्सेप्टेंस मिला। द प्रिमिटिव एंड एडवांस कैरेक्टर्स ऑफ सिफेलोकॉर्डेट्स को चेम्बरलिन ने स्टडी किया, और इन्होंने बताया कि ऑल कॉर्डेट कैरेक्टर्स आर प्रेजेंट इन टिपिकल स्टेट, दे शो प्रिमिटिव फीचर्स ऑफ नॉन कॉर्डेट्स ऑल्सो, सच एज एब्सेंस ऑफ हार्ट, हेड, सेंस ऑर्गन्स, रेस्पिरेटरी पिगमेंट, फिल्टर फीडिंग मोड ऑफ फूड कैप्चर एंड एक्सक्रीशन बाय सोलेनोसाइट्स। सोलेनोसाइट्स ये मेनली नॉन कॉर्डेट कैरेक्टर्स हैं। तो इस व्यू को इस तरह रखा गया कि सिफेलोकॉर्डेटा वो ग्रुप है जिसमें इम्पोर्टेंट कॉर्डेट कैरेक्टर्स भी हैं और इम्पोर्टेंट नॉन कॉर्डेट कैरेक्टर्स भी हैं। तो इनको एक ट्रांजिशनल स्टेज फ्रॉम इकाइनोडर्म नॉन कॉर्डेट टू द प्रोटोकॉर्डेट्स ट्रू कॉर्डेट्स के बीच में ट्रांजिशनल स्टेज माना जा सकता है। बट प्रोटोकॉर्डेटा में तो सिफेलोकॉर्डेटा ही अब रह गया है जिसको वाइजली एक्सेप्ट किया गया है। अदरवाइज हेमिकॉर्डेटा यूरोकॉर्डेटा को अब नॉन कॉर्डेट प्रोटोकॉर्डेट्स कहा जाता है, और इन्हीं से यूकॉर्डेट्स इवॉल्व हुए हैं। दिस थ्योरी वाज ये इसके सपोर्ट में बहुत सारे फॉसिल्स भी एक्सेप्ट किए गए हैं मिड कैम्ब्रियन एज के, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉसिल रिमिनेंट है पिकाइया ग्रैसिलेंस। इस दिस इज पिकाइया और पिकाया एक्चुअली इसके रेमिनेंट्स ऑर्गेनिक सॉरी डीएनए रेमिनेंट्स की अवेलेबिलिटी के बेसिस पर ये थ्योरी को प्रपोज किया गया है, क्योंकि पिकाया भी कोई हार्ड में भी कोई एक्सोस्केलेटन या एंडोस्केलेटन नहीं था जिसके बेसिस पर कोई सॉलिड प्रूफ मिला हो, बट इट इज सजेस्टेड इन ब्रिटिश कोलंबिया एंड कनाडा। देन एम्फियोक्सिस फॉसिल नाउ स्ट्रीम दे हैव द स्ट्रीमलाइन बॉडी, रिबन शेप, 5 सेंटीमीटर लॉन्ग बॉडी, having notochord in posterior two-third of body and meiomys. These are the chordate characters. Then habitat, streamlined body, tail with meiotarm, metamerism. These are the views जो इनके chordate characters को establish करते हैं। Small head being imagine किया जा सकता है इनके लिए, though it is not बाद में इस basis पर ही इसको इस theory को reject किया गया है कि ये सिफिलाइजेशन या head का formation जिसमें skull बना हो, ये सिफिलाइजेशन इज नॉट एट ऑल ऑब्जर्व ऑन द एम्ब्रियोनिक एंड जीनोमिक स्टडीज। ये कहा गया कि जो सो कॉल्ड माइन्यूट हेड इज नॉट द ट्रू सिफेलिक रीजन ऑफ द डेवलप्ड यूकार्डेट्स। अकॉर्डिंग टू कॉल्बर्ट, द लिविंग एम्फियोक्सिस ब्रैंकियोस्टोमा प्रपोज द हाइपोथेटिकल एंड लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द मॉडल प्री वर्टिब्रेट।
अब इस इन सब को मिला करके प्री वर्टिब्रेट का कंसेप्ट एक्वायर किया गया बाय द साइंटिस्ट जिसमें मुख्य थे एच या होमर स्मिथ, रेफर्ड दिस मॉडल एज प्रोटो वर्टिब्रेट, जबकि चेम्बरलिन हैज रेफर्ड इट एज प्री वर्टिब्रेट। सिफालोकॉर्डेट और जिनके जो ड्रॉबैक्स हैं, जैसे हम पहले देख चुके हैं, सबसे बड़ा ड्रॉबैक है एक्सक्रीशन बाई सोलेनोसाइट्स और द फ्लेम सेल्स जो एक्टोडर्मल है ओरिजिन में, जबकि जो कॉर्डेट्स की किडनी है वो मेसोडर्मल है, और वो उसका जो कॉन्फ़िगरेशन स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट है वो बिल्कुल ही रिजेंबल नहीं करता है एक्सक्रीटरी फॉर्म्स ऑफ सेफेलोकॉर्डेट ओरिजिन। देन सेकेंड इज लैक ऑफ सेफेलाइजेशन इन सेंस ऑर्गन्स, एंड थर्ड इज फॉरवर्ड एक्सटेंशन ऑफ नोटोकॉर्ड नॉट ब्रेन डेवलप्ड, ये सेफेलाइजेशन का रिजेक्शन का थ्योरी है। सो फाइनली थ्योरी वॉज गिवन एज अ कंबाइंड थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कॉर्डेट एंसेस्ट्री और द कंबाइंड थ्योरी ऑफ कॉर्डेट एंसेस्ट्री बाई ई जे डब्ल्यू बैरिंगटन इन 1965, एंड दिस थ्योरी वॉज लार्जली एक्सेप्टेड विद द कंसेप्ट ऑफ प्री वर्टिब्रेट। एंड दिस थ्योरी सेज दैट सबसे पहले कुछ प्रिमिटिव सेसाइल, अब इसका पॉइंट्स आप यहाँ से ले लीजिएगा, मैं सिर्फ ये डायग्राम एक्सप्लेन कर दे रही हूँ बिकॉज वीडियो काफी लंबा हो चुका है। सबसे पहला एक कंसेप्चुअल प्रिमिटिव एंसेस्टर इमेजिन किया गया, विच वॉज जिसको बाद में कहा गया पोगोनोफोरा या लोफोफोरा एंसेस्टर के फॉर्म में, जो सेसाइल फॉर्म्स हैं, फिक्स फॉर्म्स हैं, और ये इनमें टेंटेकल्स होते हैं या आर्म्स होते हैं जो सीलियरी हैं, और इन सीलियरी आर्म की सहायता से सीलियरी फीडिंग यहाँ पर भी पाई जाती है जो कॉमन कैरेक्टर है, ये सीलिया सीव करते हैं और फूड फूड ट्रैप फूड को ट्रैप कर लेते हैं फूड पार्टिकल्स को, और वाटर अंदर जाता है और नेक्स्ट बाकी की पानी स्ट्रीम करके फिर इसी माउथ से बाहर निकल जाता है। ये एंसेस्टर पोगोनोफोर या लोफोफोर एंसेस्टर है, इनसे डेवलप किए टू डाइवर्जेंट लाइन पर थ्री पैरेलल लाइन इमेजिन किया गया, बैरिंगटन ने इमेजिन किया, पांचों चारों थ्योरीज को इमेजिन किया, एकाइनोडर्माटा थ्योरी, देन हेमिकॉर्डेटा थ्योरी, देन यूरोकॉर्डेटा थ्योरी एंड सिफेलोकॉर्डेटा थ्योरी। चारों थ्योरीज को कंबाइन किया गया और ये बताया गया कि ये इस तरह का प्रिमिटिव सोसाइटी आर्म फीडर एंसेस्ट्रल स्टॉक से थ्री पैरेलल लाइन पर इवोल्यूशन हुआ। पहला हो गया प्रिमिटिव एकाइनोडर्म्स का, ये प्रोटोस्टोम टाइप के एकाइनोडर्म्स हैं, देन टीरोब्रांक्स ये हेमिकॉर्डेट टाइप के हैं, ये ग्रुप ऑफ हेमिकॉर्डेटा इनको एक्सेप्ट किया गया जिसका एग्जाम्पल है बेलेनोप्लासिस, और डायरेक्ट लाइन पर इवोल्यूशन हुआ सम दीज आर द टीरोब्रांक्स द प्रीवियस ग्रुप्स ऑफ हेमिकॉर्डेट्स, जिनसे मॉडर्न डेवलपमेंट डायरेक्ट लाइन ऑफ डेवलपमेंट में दिस थ्योरी बैरिंगटन थ्योरी को में हेमिकॉर्डेट को भी इंक्लूड किया गया है इन द प्रोटोकॉर्डेट ग्रुप, और ये कहा गया कि ये आर्म फीडर डायरेक्ट लाइन में प्रिमिटिव सेसाइल गिल फीडर प्रोटोसीडियंस में डेवलप हुए, दैट इज इनमें जो ये जो टेंटेकल्स हैं ये किसी म्यूटेशनल चेंजेस की वजह से अंदर की तरफ रिट्रैक्ट हो गए और ये फायरिंग्स में डेवलप हो गए, और इनका जो वॉल था इंटरनल वॉल सीलिएटेड वॉल था सीव्ड था, इसमें परफोरेशंस हुए और इनकी सीविंग और सीलिएटेड वॉल के थ्रू दिस सेसाइल गिल फीडर प्रोटो एसीडियन डेवलप। एसीडिया इज द ग्रुप ऑफ द यूरोकॉर्डेट, तो ये प्रोटो एसीडियन हेमिकॉर्डेटा यूरोकॉर्डेटा सिफोलोकॉर्डेटा सब का एंसेस्टर माना गया, और ये थ्री पैरेलल लाइंस पर डेवलपमेंट हुआ इवोल्यूशन हुआ। नाउ दिस प्रोटो एसीडियन एंसेस्टर हैज डेवलप अगेन ऑन टू डाइवर्ज लाइन, एक लाइन कॉर्न वर्म्स बेलेनोग्लॉसस या हेमिकॉर्डेटा का, दूसरे लाइन पर डेवलप हुए प्रिमिटिव एंसेस्ट्रल एसीडियंस दैट इज द यूरोकॉर्डेटा। ये यूरोकॉर्डेटा अभी तक ये एंसेस्ट्रल एसीडियंस फिक्स फॉर्म्स हैं, नाउ दे आर स्टार्टेड चेंजिंग इनटू द फ्री लिविंग फॉर्म्स विथ द म्यूटेशनल चेंजेस जीनोमिक चेंजेस एंड डेवलपमेंट ऑफ द ट्यूब स्ट्रक्चर्स, देन डेवलपमेंट ऑफ सीलोम प्री स्विमिंग लार्वा में कन्वर्ट हुए एंड एडवांस यूरोकॉर्डेट्स में कन्वर्ट हुए। दिस प्री स्विमिंग लार्वा मोस्ट प्रोबेबली ये सिफालोकॉर्डेटा से बहुत ज्यादा मिलता जुलता था, ये सेसाइल एडल्ट स्टेज में यहाँ पर सेसाइल एडल्ट स्टेज इज लॉस्ट। अब ये जो ये पहला अजम्पशन यही था
फ्री स्विमिंग लार्वल फॉर्म्स पहले आते थे, जो कि असीडियन में ऑब्जर्व किया गया है कि ये फ्री स्विमिंग से कन्वर्ट होता है फिक्स फॉर्म में। ये कंडीशन एक लाइन पर रिज्यूम रहा और वो ड्यूरोकॉर्डेटा में डेवलप हुआ, और दूसरे लाइन ऑफ इवोल्यूशन में ये सेसाइल एडल्ट स्टेज, सेसाइल मुझे लगता है आप समझते होंगे फिक्स फॉर्म्स, ये स्टेज लॉस्ट हो गया और प्रिमिटिव वर्टिब्रेट, जिसका एक लाइन पर प्रिमिटिव वर्टिब्रेट्स इवॉल्व हुए थ्रू द प्री वर्टिब्रेट और प्रोटो वर्टिब्रेट, और दूसरे लाइन पर लैंसलेट्स या ब्रैंकियोस्टोन्स या सेफालोकॉर्ड्स इवॉल्व हुए। सो दीज आर द डिफरेंट, दिस इज द बेसिक एक्सप्लेनेशन जिसके बारे में आप पॉइंट वाइज यहाँ से फेरिंजियोट्रेमी, दिस इज द परफोरेशन ऑफ फेरिंजियल गिल स्लिट्स। तो मैं कहानी की तरह आपको बता चुकी हूँ, आंसर करने के लिए आपको ये इस एक्सप्लेनेशन ये डिटेल्स आपको दिए हुए हैं, इन डिटेल्स को लीजिए। ये जो फेरिंजियोट्रेमी ये वो प्रोसेस है जिसमें जो ये टेंटेकल्स हैं जिनकी सहायता से फिल्टर फीडिंग कर रहा था एनिमल, वो अंदर की तरफ म्यूटेशनल चेंजेस की वजह से रिट्रैक्ट हो जाते हैं और एक फारिंग्स की तरह का स्ट्रक्चर डेवलप होता है जो परफोरेटेड हो जाता है बाय द गिल स्लिट्स। तो इस तरह से फेरिंजियोट्रेमी देन सर्टेन अदर कैरेक्टर्स दे लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ फूड गैदरिंग बाय फिल्टर फीडिंग वाटर थ्रू फारिंग्स एज कम्पेयर टू सिलिएटेड आर्म फीडिंग। सिलिएटेड आर्म फीडिंग कंडीशन फेरिंजियल गिल फीडिंग में रेस्पिरेशन एंड फीडिंग दोनों डेवलप होता चेंज होता है, एंड द सेडेंटरी प्रोटो एसिडियंस ऑफ दैट टाइम लॉस्ट सिलिएटेड आर्म फीडिंग एंड अडॉप्टेड फेरिंजियल फिल्टर फीडिंग एज ओनली मेथड ऑफ फूड गैदरिंग देन समटाइम्स लादर। प्लैंकटॉन पॉपुलेशन इन वाटर डिक्लाइन, शायद प्लैंकटॉन कम होने लगे थे, फूड कम मिलने लगा था इन लार्वल फॉर्म्स को, तो फ्री स्विमिंग टेल लार्वा डेवलप, सेसाइल फॉर्म्स को खाना खोजने में परेशानी होने लगी तो फ्री स्विमिंग लार्वल फॉर्म्स डेवलप हुई यूरोकार्डेट को, विच डिड नॉट मेटामॉर्फोज एंड बिकम ए नियोटिनिक एडल्ट एज द सेफालोकॉर्डेट। अगेन यहाँ पे नियोटिनी हुई होगी, फ्री स्विमिंग फॉर्म कन्वर्ट हुआ होगा सेफालोकॉर्डेटा में या प्रिमिटिव वर्टिब्रेट्स में जिनमें पहले एग्नाथंस डेवलप हुए होंगे एंड देन गनाथोस्ट्रोमा डेवलप हुआ होगा। दिस सेफालोकॉर्डेट लाइक एंसेस्टर इवॉल्व बाय परफेक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ कॉर्डेट कैरेक्टर्स दैट वेर प्रेजेंट इन असीडियन टैडपोल लार्वा। सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन, फर्दर एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑल दीज सिफिलाइजेशन, फेरिंजियोट्रेमी, ये सारा कुछ हुआ, इंटरनलाइजेशन ऑफ फिल्टर फीडिंग ऑर्गन्स ऑफ फेरिंग्स हुआ, और इसका एक ट्रांजिशनल स्टेज डेवलप बिटवीन टू मोड्स ऑफ फीडिंग कॉल्ड सिफालोडिस्कस, अगेन ट्रांजिशनल फेज डेवलप सिफालोडिस्कस, इसके थ्रू ये इवोल्यूशन कंप्लीट हुआ। नाउ दिस इज द स्लाइड, ये इस स्लाइड को आप वर्टिब्रेट एंसेस्ट्री में भी यूज कर सकते हैं, यहाँ पर भी यूज कर सकते हैं, ये क्रेनियम का डेवलपमेंट है इसमें, ऑस्ट्राकोडर्म में क्रेनियम जो फर्स्ट टाइम डेवलप हुआ है, तो और दिस इज द लास्ट आउटलाइन क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम कॉर्डेटा, ये जस्ट यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं। इसके बारे में आप कॉर्डेट डाइवर्सिटी का वीडियो हमारा देखिए। सो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल इफ यू लाइक इट, अपने कमेंट्स दीजिए, टॉपिक्स अगर कुछ और आप चाहते हैं रिलेटेड टॉपिक्स तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। हिंदी में एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ, सब्सक्राइब करने में, शेयर करने में, लाइक करने में एक पैसा भी आपका नहीं लगना है, बट चैनल अगर ग्रो करता है तो हम डायरेक्ट क्लासेस भी, लाइव क्लासेस भी ले सकते हैं, जैसा मुझे मैं यूट्यूबर्स ने बताया है कि यूट्यूब सब्सक्राइबर्स बढ़ने पर एक कॉमन लिंक देता है जिसको डाल करके मैं अपने चैनल पर डाल दूंगी, और कोई एक दिन हम फिक्स कर सकते हैं या 2 दिन फिक्स कर सकते हैं फॉर डायरेक्ट इंटरेक्शन विथ यू। सो थैंक यू, प्रेस द बेल आइकन, बेल आइकॉन दबा दीजिए तो आगे जितने भी वीडियोज आएंगे उनका आपको नोटिफिकेशंस मिलता रहेगा, और मेरे चैनल का प्लेलिस्ट जाने के लिए जब आप इस ट्यूब को रन कीजिएगा तो वीडियो के ठीक नीचे एक आदर्शालय का एक आपको थंबनेल दिखेगा जिसमें आदर्श का एक फोटो बना हुआ है, वो मेरा बेटा है, उसी के नाम पर, उसी की मेमोरी में ये चैनल मैंने बनाया है, तो वहां उसको अगर आप बटन को दबाते हैं, आदर्श का जो फोटो है उस पर आप क्लिक करते हैं तो आपको पूरा चैनल होम पेज खुल जाएगा जिसमें
प्लेलिस्ट लिखा हुआ है, वीडियोस प्लेलिस्ट और भी बहुत सारी चीजें, वो प्लेलिस्ट को आप क्लिक कीजिए तो आपको मेरे डिफरेंट ग्रुप्स मिल जाएंगे। पूरी प्लेलिस्ट में अलग अलग ग्रुप्स में मैं बहुत सारे वीडियोस बनाया हुआ है। आप कॉडिट रिलेटेड इंफॉर्मेशन के लिए जूलॉजी क्लासेस पे जाइए, और ऐसे ही ग्रुप्स हैं कुछ, अब मेरा पर्सनल भी है, और कुछ इम्यूनोलॉजी सीरीज हैं, कैरियर ऑप्शंस हैं, एग्जामिनेशन इंफॉर्मेशन हैं, क्वेश्चंस के बारे में हैं, तो वो आप पूरा देख सकते हैं। तो आई होप इस आई गेट योर ऑल सपोर्ट एंड कमेंट्स, वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। थैंक यू।